बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये कोविड-19 की जो वबा फैली हुई है, इसमें जो स्कूल ओपन किए हैं, इसमें बच्चों और असातिज़ा के लिए कुछ SOPs हैं जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये डिज़ीज़ स्प्रेड ना हो, एक से दूसरे को ना लगे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो वही जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है कि बच्चों का बैठने का फासला मुनासिब होना चाहिए, और फिर बच्चों को गैदरिंग इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठे बैठ के गपें शपें या लड़ाई झगड़े से बचाना चाहिए, और दूसरा यह है कि फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बच्चे जब आएँ तो फेस मास्क पहन के जाएँ, टीचर्स भी फेस मास्क पहन के आएँ, और फिर हर बच्चा अपना फेस मास्क रखे, दूसरे के साथ एक्सचेंज ना करे, और जो है डेली फेस मास्क जो है, आम फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो जो है उसको धो लें, डेली इस्त्री कर लें, वो भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है फेस मास्क का इस्तेमाल, और उसके बाद फिर बच्चों का जो है एक दूसरे की चीज़ों को टच ना करें, जो एक दूसरे की नोटबुक्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे यूज़ ना करें, हर कोई अपनी नोटबुक इस्तेमाल करे, अपनी कापी पेंसिल पेन इस्तेमाल करे, चीज़ें ज़्यादा शेयर ना की जाएं। इसी तरह जो खाने पीने की जैसे चीज़ें हैं, जैसे पीने के लिए गिलास या बॉटल्स, वो हर कोई अपनी इस्तेमाल करे, एक दूसरे की यूज़ ना किया करें। तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार है या ज़्यादा बुखार हो या खांसी या ज़ुकाम की अलामत हों, तो फिर उन बच्चों को छुट्टी कर लेनी चाहिए, जब तक वो रिकवर नहीं होते तो आइसोलेट कर देना चाहिए। तो ये वो कॉमन SOPs हैं जिन पे अमल करके तो हम इस डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं।